हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज में बिना बुकरम बैक नेक गले की डिजाइन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज की कटिंग पहले से ही कर रखी है। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो यहाँ पर 5 को आधा करेंगे तो 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर 9 इंच रखेंगे, तो 9 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से गले की डिजाइन बनाई है। ठीक है, तो अब हम मेन कपड़ा जो हमारा अस्तर है तो उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। जो हमारा मैन पल्ला है तो उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर अत्तर वाला पल्ला रखेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो पहले हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर हमें 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से। देखिए, यहाँ पर हमने 2 इंच पर निशान लगाया है, तो दूसरी तरफ भी हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद में 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से निशान लगा लिया है और एक हमने यहाँ पर पट्टी ली है। पट्टी की चौड़ाई हमारी 2 इंच है, तो इसको दोनों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पट्टी को सिल लिया है। अब हम छोटी छोटी 2 इंच लंबी पट्टी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। 10 पट्टी हमें कटिंग करना है। ठीक है, देखिए हमने 2 इंच लंबी पट्टी कटिंग करी है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से लगाना है कि हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। तो पट्टी को हम फोल्ड करके इस तरह से एक कपड़े के अंदर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमें सीधी सिलाई लगानी है। ठीक है, और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से पट्टी को सिल लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने पट्टी को सिल लिया है। बची हुई पट्टी की हम सफाई के साथ कटिंग करेंगे दोनों तरफ से। और यहाँ पर हमें कॉर्नर पर कट लगा देना है। कट हमें इस तरीके लगाना है कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। ठीक है, बची हुई पट्टी की कटिंग कर दी है, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। पहले हम गले के ऊपर दाब सिलाई लगा लेते हैं और बाद में पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और साइडों में भी हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पलेट से लेंगे तो पहले निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम चौड़ाई में 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हमें कट लगा देना है तो 1 इंच चौड़ी हम प्लेट को सिल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक प्लेट को सिल लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी प्लेट को सिल लेते हैं एक बराबर। तो हमने दूसरी तरफ भी प्लेट को सिल लिया है और जो हमारी डिजाइन है वो बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर हमने डोरी को लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो डोरी को हम किस तरह से डालेंगे, तो यहाँ पर हम पिन की मदद से जो हमारी पट्टी है इसमें डोरी को इस तरह से डालेंगे। फिर हम इस वाली साइड में एक पट्टी को छोड़ के दूसरी पट्टी में डोरी को डालेंगे और यहाँ पर हमें डोरी एक बराबर रखनी है। ठीक है, फिर हम इस साइड में भी एक पट्टी को छोड़ के दूसरी पट्टी में डोरी को डालेंगे। तो इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से एक पट्टी को छोड़ के डोरी को डालना है और यहाँ पर हमें डोरी को बराबर कर लेना है। ठीक है, फिर हम दूसरी तरफ से पिन की मदद से जो हमने एक एक पट्टी छोड़ी थी तो उसमें भी डोरी को डाल लेते हैं। और इस तरह की डिजाइन बहुत ही जल्दी से बन जाती है, वो भी बिना बुकरम से। तो आप भी अपने घर पर इस तरह की डिजाइन बना सकती हैं, ब्लाउज में या सूट में इस तरह की डिजाइन बना सकती हैं। तो यहाँ पर हमने डोरी को डाल लिया है, डोरी को इस तरह से बराबर करके कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है, इसमें हम क्या करेंगे, लटकन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है, 4 पट्टी हमने ली है। तो इसकी चौड़ाई हमारी 4 इंच है और लंबाई भी 4 इंच है। चौकोर हमें इस तरह की पट्टी लेनी है। ठीक है, तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और कॉर्नर पर हमें डोरी को रखना है। फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से एक तिरछे में सिलाई लगा लेते हैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, इसको सीधा करेंगे और इसी की थोड़ी दूरी पर हमें दूसरी पट्टी को रखना है। देखिए इस तरह से, और तिरछे में सिलाई लगाएंगे। तो हमने एक डोरी में इस तरह के लटकन बना लिए हैं। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी डोरी में भी लटकन को बना लेते हैं। आप चाहे तो रेडीमेड भी लटकन लगा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह के लटकन बना लिए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने ब्लाउज में बिना बुकरम गले की डिजाइन बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।